हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए और मेरी रेसिपी को एंजॉय कीजिए, जो आज मैंने लौकी का हलवा बनाया है और वो भी बिना मावे के। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आपको कैसा मेरा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए और आज का मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, उस वो भी बिना मावे के। हम लौकी को दोनों तरफ से कट कर लेंगे, हम लौकी को अच्छे से छील लेंगे। अब हम लौकी को पूरा छील लेंगे। हम लौकी को छोटे छोटे तीन पीसेस या दो पीसेस में कर लेंगे। अब इसके बीच में से ये कट कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसके बीच में से बीज के निकाल लेंगे। अगर हमारे लौकी में बीज रह जाएंगे तो हमारे हलवे में टेस्ट नहीं आएगा। अब हम लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने सारी लौकी घिस ली है। अब हम इसका हम हलवा बनाएंगे। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम घी गर्म हो गया है, इसमें लौकी डाल देंगे। अभी इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इधर हमारा हलवा तैयार हो रहा है और इधर हमने अच्छे से दूध को गर्म कर रही हूँ, ताकि हमारा जो हलवा फटने की जो शिकायत होती है लौकी के हलवे में, वो नहीं फटेगा। दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है और इसको भी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं बनते हुए हमारे हलवे को। तो अब हम इसमें बॉईल किया हुआ दूध डाल देंगे। हमने दूध डाल दिया है। दूध में हमारे पहले से ही बहुत सारी मलाई थी। अब इसमें हम थोड़ा इसे केसर डाल देंगे, इससे अच्छा हमारे हलवे का कलर अच्छा आ जाएगा। हम हलवे को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि तलवे में ना लगे। हम चीनी इसमें बाद में डालेंगे जब ये गाढ़ा होने लगेगा बिल्कुल। हलवा बन रहा है। हम 5 से 10 काजू छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पूरा
बीच बीच में हम हलवे को इस तरह से हिलाते रहेंगे। अब हमारा हलवा आधा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने के बाद भी ये और पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। देखिए हमारा हलवा लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें हम काजू डाल देंगे। देखिए हमारे हलवे ने घी छोड़ना तैयार कर दिया है। अगर आप इस तरह से हलवा बनाएंगे बिना मावे से बहुत अच्छा बन के तैयार होगा आपका हलवा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा हलवा कैसा बना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूले प्लीज़। कितना अच्छे से तैयार हो गया है आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स। आप इस तरह से हलवा बनाएंगे बिना मावे का, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। कितना अच्छा हलवा बन के तैयार हुआ हमारा।